नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हाईवे इंजीनियरिंग में। और आज की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में डिस्कस करेंगे डियर फ्रेंड हम रिक्वायर्ड वाटर कंटेंट फॉर सीमेंट कंक्रीट। बहुत ही डाउट रहता है बच्चों के मन में, जो कि फ्रेशर्स हैं, ज़्यादा काम नहीं किया है, एक्सपीरियंस नहीं होने, और आप अगर पहली बार मिक्स जॉइन कर रहे हैं तो ये सवाल आपके मन में अक्सर आएगा कि भाई हम सीमेंट कॉन्क्रीट की मिक्स जॉइन के लिए प्रति क्यूबिक मीटर पर क्यूबिक मीटर मैक्सिमम वाटर कंटेंट कितना ले सकते हैं। और भी कुछ टेक्निकल टर्म डिस्कस करूंगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर करना, फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। तो डियर फ्रेंड, हम जानते हैं कि नॉर्मली जो हमारी सीमेंट कॉन्क्रीट होती है वो हम इसको तीन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहली टाइप होती है हमारी पीसीसी, ओके। पहला होता है हमारा पीसीसी यानी कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट, जो कि हमारी मास कंक्रीट है, जैसे डैम में की जाती है। यहाँ पर रिटेनिंग वॉल्स होती है, जहाँ पर कंक्रीट का बहुत ही ह्यूज अमाउंट वहाँ पे कंज्यूम हो रहा है, तो वो हमारी पीसीसी कंक्रीट कहलाती है। सेकेंडरी होती है हमारी आरसीसी वर्क, जिसमें हम रेनफोर्समेंट दिया जाता है और वहाँ पर कंक्रीट की जाती है, तो वो हमारी आरसीसी कंक्रीट कहलाती है। एंड थर्ड होती है हमारी पीक्यूसी या पेव्ड क्वालिटी कंक्रीट, जो हमारी सीमेंट कंक्रीट की रोड बनती है, उसे हम पेव्ड क्वालिटी कंक्रीट या पीक्यूसी पेमेंट बोलते हैं। ओके डियर, इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम पीसीसी और आरसीसी का, जब भी हम मिक्स जॉइन करेंगे कंक्रीट के लिए तो वो हम आईएस 10262 को कोड को फॉलो करके करेंगे, और पीक्यूसी का जब मिक्स जॉइन करेंगे तो आईआरसी 44 की कंडीशन को लेके हम इसकी मिक्स जॉइन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पीसीसी और आरसीसी के लिए। तो डियर फ्रेंड, आईएस 10262 की टेबल नंबर 4 जब आप देखेंगे तो वहां पर हमें थ्री टाइप्स ऑफ एग्रीगेट बेस्ड ऑन देयर साइज यहाँ पर दिए हुए हैं, यानी कि उसके मैक्सिमम नॉमिनल साइज के ऊपर आपको तीन टाइप के एग्रीगेट आप यूज कर सकते हैं। पहला है हमारा 10 mm मैक्सिमम नॉमिनल साइज। 10 mm मैक्सिमम नॉमिनल साइज कहाँ यूज की जाती है? ऐसी कॉन्क्रीट जो कि सेल्फ कॉम्पेटेड कॉन्क्रीट होती है या हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट होती है, वहाँ पर हम मैक्सिमम 10 mm नॉमिनल साइज का एग्रीगेट यूज करते हैं। और उसके लिए वाटर कंटेंट हम ले सकते हैं पर क्यूबिक मीटर 208 kg। फिर जो यूजुअली हमारा आपने देखा होगा जो 20 mm मैक्सिमम नॉर्मल साइज एग्रीगेट होता है, जो कि वाइडली यूज किया जाता है, अक्सर आपने देखा होगा कि मैक्सिमम साइज 20 mm ही रखा जाता है, चाहे हमारी स्लैब हो, ब्रिज हो या दूसरे भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो कॉन्क्रीट के, वहाँ पर 20 mm ही लिया जाता है। तो उसके लिए वाटर कंटेंट पर क्यूबिक मीटर है 186 kg। एंड 40 mm एग्रीगेट साइज कहाँ पर यूज होता है? जहाँ पर हमारी जो मास कंक्रीट होती है, जैसे हमारा या लोअर ग्रेड ऑफ कंक्रीट होती है, जहाँ पर हमें सीमेंट का कंजम्पशन कम करना है, ठीक है, जहाँ पर लोअर स्ट्रेंथ कंक्रीट जैसे हमारी रिटेनिंग वॉल होती है M15 होती है, या जो भी हमारे मास कंक्रीट है वहाँ पर हम 40 mm तक का एग्रीगेट वहाँ पर यूज कर सकते हैं। और उसमें फिर हमारा वाटर कंटेंट रहेगा 165 kg पर क्यूबिक मीटर। और एक बात और याद आपको रखने की, ये जो वाटर कंटेंट दिए हैं ये इनकी मैक्सिमम वैल्यूज होती हैं डियर फ्रेंड, इससे अधिक वाटर आपको नहीं मिलाना है, इससे कम आप चाहे जितना ले सकते हैं। और ये भी जो वाटर कंटेंट है ये हमारे एग्रीगेट की SHD कंडीशन में लेना है, यानी कि इस वाटर कंटेंट को जब आप तब डिटरमाइन करेंगे या तब डिजाइन करेंगे इस वाटर कंटेंट पे, जब आपकी एग्रीगेट है वो आपकी सैचुरेटेड कंडीशन में आप मान रहे होंगे। एंड और एक और बात आपको बता दूँ, ये जो वाटर कंटेंट है, चाहे ये वाला ले लीजिए आप, चाहे आप ये वाला ले लीजिए, ये जो वाटर कंटेंट है ये दोनों वाटर कंटेंट आपके 50 mm स्लम को लेकर डिजाइन किए गए हैं, ठीक है, 50 mm स्लम पे, ठीक है। यानी कि आप जब मान लीजिए 20 mm नॉर्मल साइज है क्रिकेट का, मैक्सिमम एग्रीगेट साइज है, उसमें आप 186 kg पानी मिलाएंगे SHD कंडीशन में, तो उसका स्लम ऐसा माना जाता है कि 50 mm आपको अचीव हो जाएगा। अब सवाल आता है कि सर हमें मान लीजिए 75 mm स्लम चाहिए है, तब हम क्या करेंगे? अब यहाँ पर आपको एक रिस्ट्रिक्शन दे दी कि आप इसमें 186 से ज़्यादा पानी नहीं मिला सकते हैं, और स्लम आपका उस पर आएगा 50 mm, लेकिन हमें चाहिए 75 mm, तब हम क्या करेंगे डियर फ्रेंड? तब हम इसमें फिर मिलाएंगे एडमिक्सचर, ओके, एडमिक्सचर मिलाएंगे। अगर हमें स्लम की वैल्यू बढ़ाना है तो हम पानी को ना बढ़ा के उसमें एडमिक्सचर की क्वान्टिटी को बढ़ाएंगे। और अगर मान लीजिए हमें 50 mm स्लम ना चाह के हम इसमें चाह रहे हैं 25 mm, तब क्या करेंगे डियर फ्रेंड? तब हमको करना है, देखिए ऐसा कंडीशन दी हुई है कोड में कि 25 mm स्लम के डेविएट करने के लिए आपको
3% वाटर का डेविएशन करना होगा, यानी कि 50 से अगर आपको 25 mm स्लम चाहिए तब आपको इसमें से 3% वाटर को और रिड्यूस करना होगा। और अगर आप इसमें एडमिक्सचर मिलाना चाहते हैं तो आप चाहें तो इसमें, अगर आप इसमें एडमिक्सचर मिला रहे हैं तो एडमिक्सचर मिला के आप इसका स्लम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और एडमिक्सचर मिला के आप दूसरा एक काम और कर सकते हैं, आप इस सीमेंट का कंजप्शन भी कम कर सकते हैं। वो किस प्रकार से करेंगे उसके लिए आपको मिक्स्ड यान का वीडियो ऊपर आई बटन में दे दूंगा, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में भी मिक्स्ड यान का वीडियो देख सकते हैं, तो वहां से आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं पेव्ड क्वालिटी कॉन्क्रीट की, पीक्यूसी पेमेंट की। तो यहाँ पर भी हमारे 3 types ऑफ एग्रीगेट बेस्ड ऑन देयर साइज यहाँ पर दिए हुए हैं। 9.5 mm एग्रीगेट में हम मैक्सिमम वाटर 208 kg ले सकते हैं, 19 mm एग्रीगेट साइज के लिए हम ले सकते हैं 186 kg, और 31.5 mm एग्रीगेट साइज के लिए ले सकते हैं 165 kg। ये भी हमारे 50 mm स्लम्प के लिए दिया हुआ है, यानी कि जब हम इतना पानी मिलाएंगे तो हमारा स्लम्प मिलेगा उस पर्टिकुलर एग्रीगेट मैक्सिमम एग्रीगेट साइज के लिए वो मिलेगा हमारा 50 mm। अब अगर हमें इससे स्लम्प ज़्यादा चाहिए है तो आप इसमें एडमिक्सचर मिलाइए ना कि पानी बढ़ाइए, और अगर आपको स्लम्प इसमें कम करना है तो आप इसमें वाटर रिड्यूस कर सकते हैं। 25 mm स्लम्प कम करने के लिए आपको 3% वाटर रिड्यूस करना होगा। तो डियर फ्रेंड, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कोई डाउट्स है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर मैं आपके साथ दिन भर अवेलेबल रहता हूँ, तो वहाँ पर आप जब चाहे तब मुझे डिस्कस कर सकते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलता हूँ फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड गुड बाय।